गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। सिकरी थाना क्षेत्र के अवरा रूप गांव के बाहर एक युवक की गला रेत कर की गई हत्या, नाजुक अंगों पर भी किया गया प्रहार, आशनाई की जताई जा रही है आशंका। सूचना पर मौके पर पहुंचे पुलिस के आला अधिकारी, शव को कब्जे में लेकर जाँच में जुटी पुलिस, एक हुआ गिरफ्तार। परमेश्वरपुर गांव में एक साधु की हसियत से काटकर निर्मम हत्या करने के मामले में हरपुर बुधट थाने की पुलिस ने 24 घंटे के अंदर गांव के ही एक मानसिक रूप से विक्षिप्त युवक को किया गिरफ्तार, भेजा जेल, एसपी साउथ ने किया खुलासा। महापौर ने किया राजघाट स्थित आधुनिक अंत्येष्टि स्थल का निरीक्षण, आसपास के क्षेत्र को ग्रीन जोन बनाने के दिए निर्देश, कहा लोगों को मिलेगा निःशुल्क दाह संस्कार का अवसर, 15 दिसंबर के बाद मुख्यमंत्री करेंगे लोकार्पण। गोरखपुर विश्वविद्यालय में एससी एसटी एम्प्लाइज वेलफेयर एसोसिएशन गोरखपुर के तत्वावधान में मजीठिया भवन सभागार में भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मनाया गया 64वां परिनिर्वाण दिवस, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर डाला गया प्रकाश। रोटरी क्लब गोरखपुर के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में प्लेटिनम जुबली ब्लड डोनेशन कैंप का किया गया आयोजन, रक्तदाताओं ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा, किया रक्तदान। नागरिक सुरक्षा के 98वें स्थापना दिवस के अवसर पर सम्मानित हुए लॉकडाउन के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले वार्डन, उप नियंत्रक व प्रभारी नागरिक सुरक्षा आर के श्रीवास्तव ने कहा लॉकडाउन के दौरान सिविल डिफेंस का कार्य रहा सराहनीय। संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के 64वें परिनिर्वाण दिवस पर जिला एवं महानगर कांग्रेस के तत्वावधान में अंबेडकर चौक स्थित उनके प्रतिमा पर किया गया माल्यार्पण, उनके बताए पद चिन्हों पर चलने का लिया गया संकल्प। गोरखपुर में रविवार को मिले 47 नए कोरोना संक्रमित मरीज, एक की हुई मौत, जिले के संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 20,270, अब तक 325 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके हैं अपनी जान, 411 हुए एक्टिव मरीज, सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की पुष्टि। महानगर के बेतिहाता स्थित सपा कार्यालय पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 64वें परिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि सभा की गई आयोजित, पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर माल्यार्पण और पुष्प अर्पित कर दी श्रद्धांजलि, किया याद। और संकल्प समीर संस्थान ने किया साहित्यकार गजल एवं गीतकार सुरेंद्र शास्त्री को सम्मानित, कहा समाज में साहित्यकारों का महत्वपूर्ण है योगदान।